प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जहां पर आ जाती है ना, कोई भी बैरिस्टर, कोई भी अटॉर्नी जनरल, कोई भी प्लीडर, कोई भी वकील शैल एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन। यार मेरे को ना ये 126 इतनी बेवकूफ वाली कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। देखो हम प्रोफेशनल एथिक्स तो है ना हमारे पास कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमको एक अपना क्लाइंट हमको प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं। मैंने एक केस में देखा था, 13B की पिटिशन थी, ठीक है, म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स। हाँ, अब सामने वाली लड़की उनके पास गई थी, लड़की जाने के बाद में क्या हुआ, अब कैसे होता है ना कभी कभार लड़की वालों से पैसे कम मिलने होते हैं क्योंकि हम दया खाते हैं, वी विल पिटी नो, हमें ऐसे लगता है कि क्या पैसे लेंगे अब इससे, थोड़ा बहुत कम ही लेना पड़ता है क्योंकि लड़की के साइड से है, बेचारी ऑलरेडी डाइवोर्स ले रही है, अकेली रहने वाली है, ब्ला 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 स्टोरी। तो हम क्या करते हैं, हम हस्बैंड की तरफ, हस्बैंड होता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे बोला गया कि हम आपको ज्यादा पैसा देते हैं, आप एक काम कीजिए उस लड़की को आप समझाइए कि इतना कम वो मेंटेनेंस ले ले, जो भी एलिमनी उसको लेनी थी आपको उसका 20% हम दे देंगे। मैंने बोला है वो लड़की को मिलना चाहिए क्या मुझे मिलना चाहिए, अब मुझे मेरा फीस से कंसर्न है, लेकिन कुछ कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं ना फीस के चक्कर में जाकर। ये कम्युनिकेशन जो भी लीगल एडवाइजर होता है आर नॉट प्रिविलेज्ड अ पर्सन वुड बी इन अ फियर टू डिस्क्लोज ऑल हिज केस, क्योंकि देखो एक डर लगता है ना कि लीगल एडवाइजर पे कल को हमारी बात खुल गई तो, कल को हम बदनाम हो गए तो, कल को लोगों को ये पता चल गया कि हमारा कुछ ऐसा मामला था या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। अब जब रेपिस्ट होते हैं ना, रेप को लेकर लड़कियां बहुत डरती है, घर में छुप जाती है, निकलती नहीं है, पर बड़ी बात है इट्स नॉट इजी, जिसके साथ हुआ रहता है ना ये वही जानता है, एक बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करना और रेप होना इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, लड़की एक डरती है बताने के लिए कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैम, इज दिस ये पनिशेबल ऑफेंस? यू नो इट्स नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, कि कहीं ना कहीं ये पनिशेबल नहीं है, बट एक्चुअली देखा जाए ना कि ये एथिक्स के बाहर है। तो मैम इधर क्यों डाला? संस्कार की बुक थोड़ी है ये, एविडेंस की बुक है या हाँ, तो खुदा? इसको तो एक्चुअली मैंने तो क्या बोला, ये बेवकूफी वाला सेक्शन है। मैंने स्टार्ट करने से क्या बोला कि मेरे को तो ये चूतिया अब लगता है, मैं अभी क्या बोलूं आप लोगों को, छोड़ो मैम ये ये बहुत फिर से नहीं यूज करनी बताइएगा चाहिए मुझे क्या, ये सेक्शन, मेरा बीच में कट गया फिर था से बताओ। मैम, बीच में हम चले गए थे अब मैम, रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग भी वो नहीं भी हुआ नहीं है हुआ। मैम, जैसे रिकॉर्डिंग कि भी एक नहीं लॉयर है वो अपने क्लाइंट का जो है कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता, ठीक है? ये प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात कर रहा है बस, ठीक है? और अगर ऐसा करता है तो वो इलीगल है, बट इट इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस। जैसे एडल्ट्री है, एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, लेकिन वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है? जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। सेक्शन नंबर 126 जो है ये प्रिंसिपल पे बेस है कि कम्युनिकेशन जो भी हो लीगल एडवाइजर के पास जब हम करते हैं नॉट प्रिविलेज अ पर्सन वुड बी इन अ फियर, अगर एक पर्सन डर के मारे किसी को, देखो लॉयर के पास जाता है तो वो इसके वजह से ही जाता है ना कि वो सारी बातें लॉयर को बता सके, इंफॉर्मेशन दे सके, क्यों अगर फिर तो हर कोई डरेगा कि कौन जाएगा वकील के पास, अगर वकील के पास जाएंगे तो दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, कल को हमारी सारी बातें लोगों को पता चल जाएगी, एक्सपोज हो हाँ जाएंगे, है ना, ये सारी बातें होती है। तो हम जब कोई ऐसा पेशेंट होता है डॉक्टर के पास,
समझो एक एचआईवी पेशेंट है जो डॉक्टर के पास है, तो डॉक्टर डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि हम लोग उसको उस नजर से देखेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जो एडवोकेट होता है, हम एडवोकेट को इस नजर से देखेंगे कि हम इस एडवोकेट के पास कोई जाएगा ही नहीं अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते रहेगा। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर ओन क्लाइंट, इतना समझ के चलने का है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो 126 में एक्सप्लेन कर दी गई है। इससे ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। 126 अप्लाई टू इंटरप्रिटेटर्स जो है, 127 के लिए बोला है कि जो प्रोविजन है क्लर्क सर्वेंट बैरिस्टर बट अटॉर्नीज और वकील को, ये इंटरप्रिटेटर्स को लगता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 126 अप्लाई करता है इंटरप्रिटेटर्स जो कि क्लर्क है, सर्वेंट है, बैरिस्टर है, प्लीडर है, अटॉर्नी है, वकील है। 128 प्रिविलेज नॉट वेव बाय वॉलंटरी एविडेंस। आप यहाँ पर जो क्लाइंट है उससे क्वेश्चन ना बोले एडवोकेट, जब हम विटनेस बॉक्स में उसको खड़ा करते हैं, ठीक है, कोई भी विटनेस खड़ा करते हैं और एडवोकेट जो होता है एक क्रॉस करता है, ए बता रहे, ए बोल रहे, क्या किया रहे, किधर से आ रहे, मतलब इन दैट वे क्रॉस करने की क्वेश्चन करते। हाँ फिर हम आपको तो हमने उधर देखा था तो ये कैसा हुआ, और एडवोकेट बीच में बोल सकता है क्या, नहीं हमने नहीं देखा था इसने नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। एडवोकेट हैज टू कीप क्वाइट, उधर उसको चुप करके बैठने का है, उधर कुछ भी नहीं बोलना है। जब क्लाइंट की बारी आई है, जब वो विटनेस बॉक्स में खड़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो ही सपोज टू आंसर। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन रेज करो कोर्ट के सामने, सर व्हाई दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज नो रेलेवेंसी, इसको पूछा क्यों जा रहा है, दिस इज द प्रिविलेज नॉट वेव फॉर वॉलंटरी एविडेंस। आप वॉलंटियर नहीं कर सकते हो यहाँ से बैठ के, ट्यूटर नहीं कर सकते, ये सुन रहे हैं, ये आंसर है, इसको बताना, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। कोर्ट आपको मैम बोलेगी गेट लॉस्ट। हाँ क्रॉस एग्जामिन जो होता है तो उसमें वो जो जिसका एग्जामिन कर रहे हैं तो वो मना भी कर सकता है ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। नहीं, व्हाट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्रॉस के टाइम पे विटनेस बॉक्स में आप हाँ या ना बोल सकते हो। आपको वो फोर्सफुली जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मुझे बोलो मालूम नहीं है, आप उधर ऐसे नहीं बोल सकते हो मेरे को क्रॉस नहीं देने का है, मेरे को विटनेस बॉक्स से उतरने का है, मेरे को नहीं आता, ऐसा नहीं कर सकते हो। इफ यू हैव कम फॉर दिस, क्योंकि देखो अगर आप कंप्लेनेंट हो तो प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज स्टोरी, प्लेंटिफ हो तो प्लेंटिफ को अपना पूरा केस प्रूव करना रहेगा, तो उसको विटनेस बॉक्स में क्रॉस होएगा तभी तो उसका केस प्रूफ होएगा ना। यस मैम, साइलेंस रह सकता है क्या उधर? साइलेंट रहने के लिए इट्स योर विश, अगर आपको साइलेंट रहना है तो फिर आपके एड फिर आपकी बातें आपके वाट लगा देगी, आपके अगेंस्ट चली जाएगी। ओके मैम, हाँ जिधर या आपको ना? साइलेंट रहना है उधर, देखो जिधर आपको याद नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किधर ना किधर अगर आपने अपने कंप्लेन में उसका पूरा जिक्र किया मैम है, साइलेंट और जब रहने का क्रॉस मतलब में होता आपसे क्या पूछा है? जा रहा है, कुछ नहीं क्रॉस में बोलना। आपको पूछा जा रहा है, तो अगर आप साइलेंट रहते हो तो किधर ना किधर आपको एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा उसका, आपको आपके विरुद्ध चले जाएगा वो चीज़ें। हाँ अभी पूछो विक्की, क्या बोल रहे हो? हम पूछ रहे हैं साइलेंट होने का मतलब क्या होता है, यानी हम कंसेंट दे रहे हैं यही ना? साइलेंट रहना मतलब आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट रहना इसको मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया तो उसको हम लोग समझेंगे कि आपकी हाँ ही है। कहीं ना मियर साइलेंस जो होती है ना वो एडमिटेड भी हो जाती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप क्रॉस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स, यार सेम का सेम बात 126 के अंदर बताया ना, एडवाइस टू कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, जो भी एडवाइस दोगे कॉन्फिडेंशियल रखोगे। 130 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नो पार्टी, अब ये प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में बात कर रहा है। तो उस विषय में अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी डॉक्यूमेंट अगर बैंक का है तो विटनेस क्या करेगा वहां पर, विटनेस बोलेगा ना, यानी अगर उसको विश्वास आ गया कि हाँ भाई उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। देखो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रूफ होते हैं। अभी जैसे 138 का केस हो गया, तो 138 क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, चेक होता है, मेमो होता है, फिर उसके अंदर नोटिस होता है, जो मैंडेटरी प्रोविजंस है। तो अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूफ करके लिया है तो इट्स अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना किधर वो बात उधर ही आ जाती है ना। तो अब विटनेस अगर नहीं होता है, नहीं पार्टी बनता है तो भी चलेगा, डॉक्यूमेंट स्पीक इट सेल्फ, वहां पे खुद का खुद डॉक्यूमेंट खुद ही बताएगा।
सीधा बात करेगा, डॉक्यूमेंट तो बोल सकता है ना, भले लिखावटी है तो क्या हुआ, बोलता तो है, शब्द तो बोलेगा, कहीं ना कहीं सेंटेंस तो बताएगा भाई है क्या, कैसा है, किस तरीके का है ना। चलिए 131 पे आ जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज अनदर पर्सन हैविंग अ पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब इसको लेकर ना बहुत बहुत ये होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की गई है, इससे पहले भी हमने एक सेक्शन पढ़ा है जहां पर आपको नोटिस प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था और आप नोटिस प्रोड्यूस करने के लिए मना कर रहे थे। तो समझो फोटोग्राफर है, मेरे अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, ठीक है, तब मेरे अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है तब तक आप वो फोटो को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? जो फोटोग्राफर है मेरे अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो तब तक आप फोटो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, यू कैन प्रोड्यूस द फोटो। आप रिफ्यूज करेंगे क्या, नहीं मैं फोटो प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, मैं एक फोटोग्राफर हूं और आपके अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा फोटो। कोर्ट बोलेगी क्यों, तेरा राज चलता है क्या, तू फोटोग्राफर का काम करता है, तू एक विटनेस होके इधर खड़ा हुआ है और तू रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं फोटो नहीं लेके आऊंगा, तेरे पोजेशन में है, तेरे को फोटो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो 132 विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट द आंसर विल क्रिमिनेट। देखो 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 यही क्वेश्चन है, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग। देखो उसमा आपने बोला ना साइलेंस की बात, यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, नहीं तो आंसर नहीं दे नहीं चलेगा। आप उनको भी आप ये किधर ना किधर ये कर सकते हो, टॉर्चर करोगे वहां पे आप उनको, उनकी उनका देखो हम क्यों करते हैं वो सब कुछ, इसीलिए तो करते हैं क्योंकि जैसे हमारा केस हमारे फेवर में आ जाए, है ना, नहीं तो फायदा क्या ये सब। आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक लॉयर तो अपने अपना जो क्लाइंट होगा उसका इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करोगे, जब तक आप उसको ट्रैप नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपके केस में फेवर में नहीं आएगा। तो आपको विटनेस को क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने जिसको उसको एक्सक्यूज ही नहीं हो, मालूम नहीं है ऐसे बोल ही ना सके। आप अगर वो बोलेगा ना मालूम नहीं, आप बोलोगे ये देखो तुमने लिखा है तो ऐसे कैसे तुमको मालूम नहीं है, तुम या तो ये झूठ बोल रहे हो या तो ये झूठ बोल रहे हो, ठीक है। अकम्पलीज, इसको लेकर मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार बता चुकी हूँ, इसको क्या बोला जाता है, पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम, वेरी गुड। तो ये सेक्शन जो है 133 महान सेक्शन, क्या इसको मैं बताऊं 133 क्या है, इसको 114B के साथ पढ़ना होता है, मेक के बारे में बताता है, प्रिजम्पशन, रिबटेबल लीगल प्रिजम्पशन जो 133 में बताया गया है, रिबटेबल और इरिबटेबल को लेकर अकम्पलीज बताता है, क्योंकि कोरोबोरेशन ऑफ एविडेंस जो होते हैं अकम्पलीज बाय अंदर अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस, दिस इज अ प्रपोजिशन ऑफ लॉ। इसमें सुप्रीम कोर्ट की केस लॉ है मंदान मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1970 पेज नंबर 1006, ठीक है। अब इसमें की नूरजान सिंह की केस लॉ है स्टेट ऑफ पंजाब, दगड़ू वर्सेस महाराष्ट्र की केस लॉ है, बहुत सारी केसे इसको लेकर आपने पढ़ना है, एक बार रीड कर लीजिए अकम्पलीस को लेकर। मैं ऑलरेडी स्टार्ट में मैम अकम्पलीस कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट ये आपस में रिलेट कर रहे ना, सबके सब एक ही बात है। और ये अनसाउंड माइंड का अलग सेक्शन होता है, ये इनसैनिटी का अलग, हाँ लुनेटिक का अलग सेक्शन होता है, तो ये तीनों तो एक ही चीज है, पर इनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बताया गया है ना, मैंने जैसे इससे पहले भी बोला है कि लेकिन इनके फॉर्म्स तो अलग अलग है ना, क्योंकि किधर ना किधर लुनेटिक क्या करता है, इसका क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू द उनका जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ये लोगों को बताया जाता है। चलिए 134 नंबर ऑफ विटनेसेस, ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं बना हुआ है, आप कितने भी विटनेस ले सकते हो, कुछ भी काउंट। देखो एक बात मैं बताती हूँ, मेरे केस में मैंने सत्यानाश किया था, बहुत सारे विटनेस लेके मैंने क्या किया था, नंबर विटनेस को देखकर क्या हुआ था, मेरा केस डिसमिस हो गया था कि इतने सारे विटनेस को लेकर कोर्ट ने क्या किया था, एक एक विटनेस की स्टोरी लेके पड़ी थी जो मेरे कॉन्ट्राडिक्शन में मुझे ही मार डाला। तो 134 नंबर ऑफ विटनेसेस की बात करता है, ठीक है। चलिए मैम एक बारी 130 समझा दीजिए रिपीट करके। 130 बताऊं? यस मैम। टाइटल डीड्स वाला, वो थोड़ा सा सर के ऊपर से गया है।
क्यों 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 वन टाइप नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू द सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी प्रॉपर्टी नो विटनेस कोई भी विटनेस जो कि सूट में पार्टी नहीं है उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कॉम्पीट नहीं कर सकते कि तू तेरे प्रॉपर्टी का टाइटल डीड लेके हा कि तू ओनर है तेरे नाम पे प्रॉपर्टी है तेरा घर है तेरा पोजेशन है ठीक है एनी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू बेटा एक मिनट लेट मी कंप्लीट नाउ एनी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी एज प्लेजी एज मॉर्गेजी or any document the production of which might tend to criminate him unless he agreed in writing to produce them with the person seeking the production such deeds of some person through whom he claims ab aap kisi ko bhi aap bully kar sakte ho ki आप डॉक्यूमेंट ले आओ किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता अगर वो सूट में पार्टी नहीं है उसका ना लेना है ना देना है तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रोजेक्शन अगर उसको पता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर लिया तो हो सकता है मुझे इसकी वजह से सजा हो जाए हो सकता है तो अनलेस अगर वो अग्री करता है राइटिंग में देता है कोर्ट को कि हाँ मैं प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ और ये प्रोडक्शन मुझे आप मुझे क्लेम कर रहे हो तो मैं ठीक है लेके आके देता हूँ तो ठीक है लेकिन अगर उसको पता है कि वो डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने लेके आ गया तो कहीं ना कहीं वो उसके इसमें ही फंस जाएगा मतलब काला कौवा काट खा जाएगा और अपनी चाल जो चल रहा था उसी में वो खुद फंस जाएगा तो अपने आप को फंसाने का काम करेगा क्या वो अपना टाइटल डॉक्यूमेंट वो सूट में पार्टी नहीं है उसका कुछ लेना देना नहीं है और वो आके कोर्ट में किधर ना किधर अपने आप को थोड़ी फंसाएगा जबकि उसको मालूम है अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट लेके आया कोर्ट में तो मैं मर जाऊंगा मैं फंस जाऊंगा मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा ठीक है मुझे सजा हो जाएगी चलो आप पूछो क्या पूछना मैम जैसे कि दो भाई का डिस्प्यूट चल रहा है ठीक है प्रॉपर्टी को लेके तो उसमें नेबर को नहीं घसीटा जाए कि तुम अपना टाइटल प्रूफ करो है ना मैम उसको हाँ परफेक्ट उसको क्यों अगर वो मॉर्टगेजी है या कुछ ऐसा है तो अगर वो ऐसे है तो उसको करना पड़ेगा बाकी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा वरना उसका क्या लेना देना मतलब तुम आज किसी को भी रोड पे पकड़ के बोलेंगे क्या ए चल ना डॉक्यूमेंट लेके आना मेरे को दिखाना यू कैन नॉट फोर्स एनीवन इफ जब तक कुछ है नहीं अगर ना ही वो पार्टी है ना ही उसका कुछ लेना देना है आप किसी को फोर्स थोड़ी चाहिए और अगर उसको मालूम है कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में आ गया तो मैं लटक जाऊंगा तो वो थोड़ी अपने आप को बोलेगा कि बकरी हूँ हलाल कर दो मटन बना के खाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है ना yes, आप समझा यस मैम चलो हश मेरे बच्चों को समझा मेरे लिए यही बड़ी बात है चलिए एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस गवाह को कैसे पेश किया जाएगा कोर्ट में हाजिर हो ऐसे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का मतलब होता है एक एक विटनेस को चुन चुन के मारेंगे हम लोग अब एक कोर्ट का कोर्ट में वकील का क्या काम होता है कि विटनेस उठाओ और चुन चुन के मारो है ना 311 सीआरपीसी क्या बोलता है 135 को 311 के साथ में पढ़ा जाता है तो 311 क्या बोलता है व्हाट इज सेक्शन नंबर 311 सीआरपीसी ना मैम यस चलो जल्दी यार ऐसे ही आंसर आना चाहिए यस मैम वही तो हमने बोला समन भेजेंगे उसको कब बोला मैंने तो नहीं सुना विक्की सर तुमने सुना ना बट मैंने तो तुमको बोलते हुए भी नहीं सुना ऐसे तो नहीं अभी तो बोला आपने बोला ना कि कैसे बुलाएंगे उसको हाजिर कराएंगे तो हमने बोला ना कि समन भेजेंगे ऐसे मैंने सुना ही नहीं किसी भी विटनेस को आप समन करके एग्जामिन करने के बाद में ही काम किया जाता है देखो
केसेस कुछ सिविल नेचर के होते हैं, केसेस क्रिमिनल नेचर के भी होते हैं ना। तो ऑर्डर एट, ऑर्डर वन के इसमें देख लीजिए आप, ऑर्डर फोर, ऑर्डर 16, विटनेस प्लेंटिफ को लेकर जो बताया गया है, अगर ट्रायल होता है, सेशन ट्राइबल होता है, तो आपने देखा है सेशन ट्राइबल कहाँ पे होता है, 225 से लेके 237 है ना सीआरपीसी के अंदर। वारंट ट्रायल है तो 238 से 243 है, और अगर कंप्लेंट का है तो 244 से लेके 250, समन है तो 251 से लेके 251 से लेके, बताओ बताओ बताओ, बुक मत खोलो बुक मत खोलो, इसीलिए मैंने ये बोला कि जैसे तुम आगे बता सको। टू हाँ फिफ्टी नाइन तक मैम। देखो रूपल, वेरी गुड, समरी 260, ट्रायल 265, नहीं बढ़ा है ना, मतलब नहीं बढ़ा है ना अभी तक, वही तो जानना था मेरे को, है ना। देखो नूपुर जी, देखो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन कैन बी विटनेस प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, इट कैन बी एनी। तो ऑर्डर ऑफ अ विटनेस आर प्रोड्यूस एंड एग्जामिन शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड द प्रैक्टिस फ्रॉम द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू द सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया सिविल में भी होता है क्रिमिनल में भी होता है, एंड द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अभी ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है भाई, बुलाना है कैसे बुलाना है, बुलाना है कि नहीं बुलाना है, करना क्या होगा, ये तो कोर्ट देखेगा, कोर्ट तो सब देखता है, भले ही सीट पे बैठता है तो क्या हुआ, जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। अब जज के पास पावर होता है ना कि वो एविडेंस को माने या नहीं माने, ये तो डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट का। एविडेंस रेलेवेंट होना चाहिए है ना, पार्टी जब एविडेंस देती है, अलाउ करना या नहीं अलाउ करना ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है ना। वो क्या था, वो जॉली एलएलबी मूवी का, इकबाल इज अ केदार इज अलाइव, वो एक सीन होता है अक्षय कुमार उधर नाटक नौटंकी करता है और वहां पे एडमिशन आ जाती है, तो एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि दो फैक्ट की जो बात बताई होती है तो एक एक आप पक्षकार को बोलेंगे तो एक फैक्ट लेकर आएगा, वन विटनेस विल ब्रिंग वन फैक्ट। रेलेवेंसी की भी बात आ जाती है कि अगर रेलेवेंसी की बात करते हो तो दो फैक्ट जो होते हैं वो एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। कोर्ट में आप लेके आते हो तो प्रूफ करोगे ना, अगर आप डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते हो तो कैसे करोगे, आपको किधर ना किधर ये सारी बातें प्रूफ करनी पड़ेगी। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर अपन सेक्शन नंबर 32 में पढ़ते हैं, यानी कि जीवित व्यक्ति के जो फैक्ट्स आपको प्रूफ करने, तो कैसे करोगे यार, ये सारी की सारी अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है, सेकेंडरी एविडेंस है जिसके दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन पढ़ के आए हो आप। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ पता है, मैंने जुडिशरी के पेपर्स में देखा है कि ये अलतू खलतू जो है ना, जो चीजें जिसको अपन पढ़ते ही नहीं है ये सोच के कि वो तो एग्जाम में आएगी ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं रहता, तो ये सारी चीजें ना आपको बिल्कुल दिखाई देती है। मैंने देखा है इलस्ट्रेशन ए बी को लेकर पूछा गया है, ये बात ए और बी का जो इलस्ट्रेशन है ना इसके अंदर वो पूछा गया है, और उस समय हमें लगता है कि हमने तो कहाँ पे पढ़ा है, लेकिन अभी इलस्ट्रेशन पढ़ा है क्या सेक्शन में आता है, वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। और उस समय क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है उसको याद करने के लिए और उसके बाद एबीसीडी को टिक करने के लिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो पे लाइफ नहीं चलती। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से पढ़ो, ये सब चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जज के डिसाइड करना एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस जो मैंने फैक्ट दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करता है ना, जो कि इसको आपको सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है। पहले तो आप इसको 1 2 3 नंबर दे दो, फिर आपको ABCD जो है वो आराम से समझ में आ जाएगा। नंबर दे दो पहले, रेलेवेंसी के बारे में भी आपको बता दिया, मैम तीन अगर ही आप आए। प्रूफ, हाँ तीन ही आएगा ना, पहले तो ये फैक्ट देखो, पहले ये क्या बताता है, हाँ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का बात बताता है,
और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, दूसरे में क्या बताता है एडमिसिबल को लेकर बताता है, तीसरे में रेलेवेंसी को लेकर बताता है। तो एक की सेक्शन 136 के अंदर आप क्या देख रहे हो, एडमिसिबिलिटी देख रहे हो, एडमिसिबल देख रहे हो, रेलेवेंसी देख रहे हो, ये तीनों के तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ के चलने हैं, ठीक है। आई सी दिस उत्तम सिंह ऑलवेज ज्वाइनिंग, आई रियली डोंट नो उत्तम सिंह जी आप कहाँ से हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, आप मेरा क्लास ज्वाइन करते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? ओहो Can he relate me or he can understand what I'm saying? Yes, ma'am, वो म्यूट है सर, आप म्यूट है। उत्तम सिंह जी आप कहां से हैं, हम ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए। आपके पास है ना म्यूट का ऑप्शन है, वो म्यूट को ऑन करेंगे ना आप मुझसे बात कर पाएंगे। हेलो, हाँ जी आप कहाँ से हैं? मैं बठिंडा से हूँ मैम। और मैं ना आपको थियोरेटिकल सिखाऊंगी, मत करो रिकॉर्डिंग, स्टॉप कर दो।